तो डाउट क्लास बताइए क्या डाउट है। सर मैं कोई आप ही बता दीजिए। सर सीन्स वाला और जो है ना एक बार बता दीजिए सर, सीन्स में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये रहा सर मुझे बता, रुकिए हाँ मुझे रुकिए बता दीजिए, रुकिए भाई यही है साहब, सीन्स सीन्स इसी से रिलेटेड है सर इसीलिए। रुकिए, ये सेंस है। सेंस के जितने इस्तेमाल होते हैं मैं बता देता हूँ, आप खुद ही समझ लेना डाउट, ठीक है। हाँ सर अब ये सेंस एक वर्ड है, सेंस आएगा तो क्या मतलब होगा। सबसे पहला इस्तेमाल, अगर सेंस के बगल में ऐसे आ जाए मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, संडे, मंडे, इटीसी, मतलब संडे मंडे वाली फैमिली, इसके बगल में आ जाए जनवरी, फेब्रुवरी, इटीसी, इसके बगल में आ जाए चाइल्डहुड, इसके बगल में आ जाए 2004, इटीसी, तो समझ लेना कि इसका मतलब क्या है। टाइम को बता रहा, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम से, यही मतलब है ना से। अब से क्या हो रहा है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, से क्या हो रहा है। तो आपने बोला कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आपने सिंस जनवरी कर दिया, सिंस जनवरी 2024। तो सिर्फ ये सिंस जनवरी 2024 का मतलब है कि जनवरी 2024 से, यही हुआ ना मतलब इसका। से हाँ जी। से क्या हो रहा है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखती आ रही हूँ। तो ये पहला इस्तेमाल तो मुझे लगता है आजकल बच्चे बच्चे को पता है, ये सर नो। हाँ सर ये पता है। यस सर। अब दूसरे इस्तेमाल पे चलते हैं। सेकंड कहते हैं कि सिंस, और सिंस के बगल में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और यहां पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका दूसरा इस्तेमाल है। क्या होता है भाई, इसका मतलब भी होता है से, इसका मतलब भी से ही होता है। कैसे, कोई बोल दे कि सिंस आई सॉ यू, कोई इतना बोले तो इसका मतलब है जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसी वाली फीलिंग देता है। पूरा सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, पूरा सेंटेंस है। एक तो जो पढ़ाओ तभी लोग क्यों आते हैं मेरे समझ में नहीं आता, ये दिस इज वेरी बैड। पूरा सेंटेंस है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, और जब से मैंने तुम्हारे बारे में देखा है, सिंस जब से मैंने तुम्हें देखा है, सिंस आई सॉ यू, कहानी खत्म। सिंस आई सॉ यू का मतलब हो गया जब से मैंने तुम्हें देखा है। इस है पे नहीं जाना है, सिंस के बगल में हमें कौन सा टेंस लगाना है, पास्ट इनडेफिनिट लगाना है, याद रखिएगा सेकेंड फॉर्म। और बाकी जो सेंटेंस है उसको किस में बोलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कुछ हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोल सकते हैं, जैसे जब से तुम आई हो, जब से तुम आई हो, या तुम यहां आई हो, जब से तुम यहां आई हो तुमने मुझसे बात नहीं की है। तो बात नहीं की है प्रेजेंट परफेक्ट में लगाओ, यू हैवंट टॉक्ड टू मी सिंस यू केम हेयर। तो ये सिंस यू केम हेयर का मतलब क्या हुआ, जब से तुम यहाँ आई हो, हुआ ना मतलब। यस सर। तो ये दो इस्तेमाल सिंस के आप समझ गए। चलिए अब सिंस का तीसरा इस्तेमाल है, इसको बोलते हैं कि जैसे
कुछ लोग इसको क्योंकि बोलते हैं, कुछ लोग इसको चूंकि भी कह देते हैं, कुछ लोग इसको जैसा कि भी कह देते हैं। अब इसकी हिंदी पे ना जाए, सीन क्या है, इसका मतलब है कि एक ऐसा रीज़न जो पहले से सबको पता है। जैसे बारिश हो रही है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मर है, मैं आपका टीचर हूँ, ईटीसी, ये सारी बातें ऑलरेडी उन लोगों को पता है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ, कि जैसा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझता हूँ, यानी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मैं समझता हूँ। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सिंस आई एम अ टीचर, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। किसी ने बोला कि क्योंकि बारिश हो रही है, अपनी अपनी हिंदी देखो, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा सकता। तो बारिश हो रही है, ये सबको दिख रहा है ना, वहाँ जितने लोग हैं सबको तो दिख रहा होगा, है ना? यस सर, मैं आपका टीचर हूँ तो आप सबको पता ही है ना कि मैं आपका टीचर हूँ। तो जब कारण पहले से पता होता है तो हम पहले बोलते हैं सिंस। तो चूंकि बारिश हो रही है, सिंस इट इज रेनिंग, मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ, आई कांट गो टू ऑफिस। अफरोजा कश्मीर से, सबको पता है कि नहीं है? यस सर। अब मैं बोलूँ कि गाइस, अब मेरी हिंदी कुछ भी हो, मैं बोलूँ कि गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अफरोजा जो है वो कश्मीर से है, इसलिए उनका टोन ऐसा है, तो मैं कैसे बोलूँगा? सिंस अफरोजा इज फ्रॉम कश्मीर, कॉमा, हर टोन इज लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा अलग टोन है। ओके, जैसा और कुछ सोचते हैं आप, मान लीजिए कि आप 5 बच्चों की अम्मा हैं, तो मैं बोलूँ कि सिंस यू आर अ मदर ऑफ 5 किड्स, यू माइट नॉट गेट टाइम टू स्टडी एट होम। कुछ मतलब समझ में आया? यस सर। सर, और जिसके बारे में जानकारी ना हो, जैसे ये तो पता है कि कोई 5 बच्चे की माँ है तो उसके लिए लगा सकते हैं, लेकिन बारिश हो रही है ये भी जानते हैं, लेकिन कुछ अगर नहीं हो तो हम फिर बिकॉज लगाएंगे, फिर हम पहले से ये नहीं बताएंगे कि बारिश हो रही 5 बच्चों की अम्मा, हम पता क्या बोलेंगे? बोलूँगा गाइस, पता है अफरोजा स्टडी नहीं कर सकती है, पहले मैं बोलूंगा अफरोजा 10 बच्चों की अम्मा है, कांट स्टडी, है ना? अब यहाँ तक किसी के समझ में आ रहा है कि अफरोजा क्यों स्टडी नहीं कर सकती? कोई कारण नहीं पता ना किसी को? नो सर। अब मैं कारण को इंट्रोड्यूस करूंगा, तो इंट्रोड्यूस मैं सिंस से नहीं कर सकता, मैं किससे करूंगा? बिकॉज से करूंगा, बिकॉज शी हैज 10 किड्स, 10 है ना मैडम, 12 है, कितने 10 है, 11वां अभी आने वाला है, ठीक 10 है, तो अफरोजा कांट स्टडी बिकॉज शी हैज 10 किड्स टू हैंडल। तो ये जो बिकॉज होगा, इसमें लोगों के लिए पहली दफा होगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को समझ रहे, आइला अच्छा ये बात है, हमें तो पता ही नहीं था यार 10 बच्चे इनके। और जब सबको पता चल जाए कि इनके 10 बच्चे हैं, तो मैं कहूँगा गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अफरोजा के 10 बालक है, सिंस अफरोजा, आप समझ रहे हो, सिंस अफरोजा है 10 किड्स, वो कैसे पढ़ाई कर सकती है?
हाउ कुड शी स्टडी, ये है सर। कभी कभी एज भी लिखा रहता है ना सिंस की जगह, सेम है उसका, एक ही घर का है सर। मैं बोलूं जैसे हम बोलते हैं उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसको आप मतलब कंटिन्यूअस बनाएंगे तो मतलब हिंदी कैसे मतलब पहचान करेंगे? सुबह से कुछ नहीं खा रहा है, ऐसा कर दो। हाँ खा रहा है, ओके खाया है, ओके ओके थैंक यू। ओके तो यानी कि सेंस जो है आपका इतने सारे काम कर रहा है। अच्छा इसी सेंस से आप ऐसा भी कई बार कहते हो कि सेम चीज है बट तुम्हें देखे हुए जमाना हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, जमाना हो गया। तो इसको बोलने का एक तरीका है, इसको मैं नया यूज लिख देता हूँ, मतलब नेक्स्ट यूज। तुम्हें देखे हुए जमाना हो गया है, तुमसे मिले हुए एक क्या मूल क्या बोलते हैं उर्दू में, मूल पता नहीं क्या है, मुद्दत हो गई है, मुद्दत ऐसा कुछ कहते हैं, लम्हा हो गया, मुद्दत हो गई। हाँ तो यहाँ पर एक अंग्रेजों का तरीका है, उसको बोला जाता है इट हैज बिन, और इसको शॉर्ट में इट हैज को हम इट्स कर देते हैं, तो पूरा क्या बन जाता है, इट्स बिन। अब हम आजकल इट्स बिन बहुत चला है, तो हमने कहा इट्स बिन एजेस, मुद्दत हो गई है, और तब यहाँ पे सिंस लगाएंगे, तुम्हें देखे हुए सिंस आई तो हम ऐसे भी कहते हैं, जैसे मान लो इट्स बीन लॉन्ग, कभी कभी तो ऐसे भी लिखते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ वो तो शॉर्टकट है। मान लीजिए कि बहुत मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं, और एक महीने हो गए एक दूसरे को भी ढंग से निहारा तक नहीं है, यू नो, अब आपस में बातें कर रहे हैं कि डार्लिंग इट्स बीन अ मंथ, कैसे बोलेंगे, इट्स बीन अ मंथ सिंस आई सॉ यू, सिंस वी स्पेंट सम क्वालिटी टाइम, है ना, स्पेंट सम क्वालिटी टाइम। तो सर आई वांट टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू होमवर्क। हां बोलिए सर। कंसर्ट इतना इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था कि हमने हफ्तों तक बात की, कंसर्ट वाज सच एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस दैट वी टॉक्ड अबाउट इट फॉर वीक्स, इज इट राइट? करेक्ट सर, वी टॉक्ड अबाउट इट फॉर वीक्स, हो सकता है? हां बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ओके, घंटों तक, हफ्तों तक। हां तो देखिए गाइस अभी इसको समझिए, मुद्दत हो गई है, इट्स बीन एजेस है, एजेस। अब मान लो कुछ सोचो, लास्ट आपने कोई चीज कब खाई थी, कुछ याद है? बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, छोले भटूरे, छोले कुलचे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गोलगप्पे। यस सर, इट्स बीन मंथ सिंस आई एट अनियन गार्लिक। तो सिंस आई एट ऑनियन गार्लिक है, चलो इनका मंथ हो गया ना, अच्छा सावन है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा यूज होता है, मुझे लगता है आप लोग यूज करते भी होंगे, करते भी। यस सर। इट्स बीन, तो जो इट्स बीन है वो एक्चुअली इट हैज बीन है, ठीक है ना? यस सर। ओके कैसे होगा कि बच्चा आ रहा है पापा के पास, पापा पापा कब खेलोगे, दो हफ्ते हो गए खेले हुए एक साथ, कैसे बोलेगा? इट्स बीन ये है। तो इसमें आप घर परिवार में किचन से रिलेटेड यू नो जो भी है रोमांटिक हर चीज इसमें आप यूज कर सकते हो, बच्चों से रिलेटेड सब। तो इसी बात पे अफरोजा हो जाए सर, इसका नेगेटिव नहीं बन सकता कि मतलब दो हफ्ते हो गए हम खेले नहीं, तो उसको साथ में नहीं खेले सिंस, फिर ऐसे बोलो कि वी हैवंट प्लेड फॉर टू वीक्स, ऐसे नॉर्मल कर लो, उधर तो पॉजिटिव में ही जाएगा। सर फीलिंग तो वही आ रहा है ना, सेम फीलिंग तो आ रहा है कि हम नहीं खेले हैं। हाँ एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है, इट्स बीन टू वीक्स सिंस वी प्लेड, यानी कि हमने जब खेला
खेला, इस पॉइंट पे हमने खेला, ये पॉइंट है खेला, और तब से लेकर अब तक कितना हो गया, 2 हफ्ते हो गए, वही खेला था, एक ही बार खेला था, ये है। नेगेटिव बोलना है तो ऐसा कर दो, नॉर्मल कर दो, वी हैवेंट प्लेड, क्या हो जाएगा, वी हैवेंट प्लेड, फिर क्या होगा, फॉर टू वीक्स। थैंक यू सर, किसी में डाउट था लास्ट वाले में। 2 वीक्स हैव पास्ड सिंस वी प्लेड, इसका कुछ निकलेगा मतलब, देखो तो जब से उसके फादर डेथ है उसने खाना तक खाया, ये सब तो बन जाएगा, वो तो ऐसे बन जाएगा कि उसने खाना नहीं खाया है। हाँ, जब से उसके फादर डेथ हुए हैं उसने खाना तक नहीं खाया। He hasn't had food since his father passed away. अभी इधर मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पे कोई मर जाता है उसको बोलते ऑफ हो गया, सुना है किसी ने, सब बोलते ऑफ हो गया। Yes sir, ऑफ हो जाना। When I came here first time, I was like, है ऑफ हो गया, मतलब तो कोई बटन था ऑन ऑफ हो गया, तो यहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा सा तो सर his father off? अरे नहीं ये पता नहीं यहाँ यहाँ दूसरी चीज क्या हो गया कि जैसे मैं दिल्ली में था, नोएडा में था, तो हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर के हम कहते हैं कि अच्छा भैया ये 2 लच्छा पराठा पैक कर देना, ये बिरयानी पैक कर देना, तो हम दिल्ली में नोएडा में पैक बोलते हैं, मुंबई में आके कहते हैं भैया जरा पार्सल कर देना, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं। नोएडा दिल्ली में पार्सल बोलोगे तो पार्सल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत दूर, गिफ्ट नहीं पार्सल करके भेजते कहीं पर कोई चीज़, वो पार्सल होता है। यहाँ पर मुंबई में कहते हैं कुछ भी, हाँ भैया ये मोमोज पार्सल कर देना ये समझने में थोड़ा वक्त लगा। एनीवेज आई ये सब अंतर है, तो ये आपका सेंस हो गया, ये आपका डाउट क्लियर हो गया।